एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश जंक्शन. दिस इज मी दिशा मैम. सो कैसे हैं आप सब पीपल एंड हाउ इज योर प्रैक्टिस गोइंग ऑन. वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ टेंसेस. हमने टेंसेस की एक सीरीज स्टार्ट की है एंड वी डिड लेक्चर वन हो चुका है. एंड इन द लेक्चर वन वी लर्नड सिंपल प्रेजेंट टेंस विच इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट इनडेफिनिट, कि उसके यूजेज क्या होते हैं, किन सिचुएशंस में हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करना है, और हमने ये भी सीखा कि व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन द एफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव केस. ओके, नाउ टुडे इट्स द लेक्चर टू. आज हमारा लेक्चर टू है वेयर वी विल बी डीलिंग विद द सेकेंड टेंस, सेकेंड सब टेंस. प्रेजेंट टेंस का जो सेकेंड सब टेंस है हम वो सीखेंगे, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम डिस्कस करेंगे आज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल, हमें ये जानना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेज क्या है, व्हाई डू वी नीड दिस टेंस. सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जरूरत हमें पड़ती क्यों है, किन बातों को, किन एक्शंस के बारे में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करके बता सकते हैं. सो पहले ये समझना जरूरी है. सो लेट अस सी, जो एक्शंस नियर पास्ट में हुए हैं, कुछ समय पहले, अभी, रिसेंटली, ओके, जिसे हम नियर पास्ट कह सकते हैं, शायद 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, 1 आवर बैक, राइट, 1 घंटे पहले, या कुछ मोमेंट्स या मिनट्स पहले, कोई चीज जो भी एक्शन हुआ हो और जिसको स्पीकर ने विटनेस किया हो, जिसको स्पीकर ने विटनेस किया हो मतलब अपनी आंखों से देखा हो और स्पीकर उस चीज के लिए कंफर्म है, उस एक्शन को होते देखा है स्पीकर ने, तब वो श्योरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, कंफर्म होकर उस एक्शन के बारे में बताएगा यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इसीलिए इसको परफेक्ट टेंस कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्पीकर को कंफर्मेशन होती है एक्शन की. आपको मैं एग्जांपल बताती हूं हिंदी में. एक सिचुएशन है, सपोज कुछ देर पहले आपका फ्रेंड आया घर पे, तो आप अपने तीसरे फ्रेंड को, सेकेंड फ्रेंड को कॉल पर बता रहे हैं. सपोज आपके फ्रेंड का नाम राहुल है, राहुल आपके घर आ गया है, आपने देख लिया है राहुल को, राहुल बैठा हुआ है, तीसरे फ्रेंड, सेकेंड फ्रेंड का कॉल आता है, आप उसको कहते हैं राहुल मेरे घर आ चुका है. आप ये क्यों कह रहे हैं आ चुका है, क्योंकि आपने उसे देखा है, आपने उसको एंट्री दी है और बिठाया है घर पे, तो आप क्या कहेंगे हिंदी में, राहुल मेरे घर आ चुका है. सो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. चुका है, चुकी है, चुके हैं. रिमेंबर द हिंदी यूजर्स, आप लोग ध्यान से सुनिए इस बात को, जिन भी हिंदी सेंटेंस में लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं नजर आएगा आपको, मतलब आपको समझ जाना है कि ये सेंटेंस इंग्लिश के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनेगा. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर्स. अब हम इसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं. हम पहले देखेंगे एफर्मेटिव स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको बताया है कि हम सारे टेंसेस में चारों केसेस सीखेंगे. एफर्मेटिव इज द पॉजिटिव, एफर्मेटिव इज द पॉजिटिव स्ट्रक्चर. ओके, सो जो ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है ये कैसा है, सब्जेक्ट प्लस Has oblique have. दो options है हमारे पास, has या फिर have. You can use any of them. Plus V3. Remember, plus object. Perfect tenses में चाहे वो present perfect tense हो, past perfect tense हो या फिर future perfect, हमें हमेशा verb का third form use करना है, that is the past participle form of the verb. We are supposed to use the third form. अब इसका structure एक example लिया जाए. Let us take the same example. या पापा office जा चुके हैं.
यू हैव सीन योर फादर, आपने अपने फादर को ऑफिस जाते हुए देखा है, तो आप कंफर्म है, इसलिए आप कह रहे हैं पापा ऑफिस जा चुके हैं. सो माय फादर हैज गो वेंट गॉन. गॉन इज द थर्ड फॉर्म. आपको वर्ब फॉर्म्स अच्छी तरह याद होने चाहिए. माय फादर हैज गॉन टू ऑफिस. Okay, my father has gone to office. Now, has और have जो दो options है ये हमारे पास क्यों है? Again, जब भी आपका subject third person singular होगा, whenever your subject is third person singular, तब आपको has use करना है. जब आपका subject plural हो, I हो या you हो, उनके साथ आपको have का use करना है, along with V3. That is past participle form V3. So my father has gone to office. मेरे father office जा चुके हैं. Now the negative sentence, इसका negative structure क्या होगा? Negative structure क्या होगा? Subject plus has oblique have plus not plus V3 plus object. मतलब मेरे father office नहीं गए हैं, right? That is negative. Office नहीं गए, I'm sure. वो घर पर हैं. I'm pretty sure. मेरे पापा office नहीं गए हैं, घर पर हैं. वो newspaper पढ़ रहे हैं घर पर. Okay? So that is a confirm action again. So my father is third person singular. So we will use has. Okay, my father has not gone to office. My father has not gone to office. मेरे father office नहीं गए हैं. I can challenge you क्योंकि मेरे father तो घर पे बैठकर newspaper पढ़ रहे हैं, right? तो speaker बहुत confirm है. बच्चा जो है बहुत ज़्यादा confirm है about his father. अब हम देखते हैं interrogative. Interrogative. What is interrogative? I have explained in the previous lecture. Interrogative क्या होता है? सवाल पूछना. Asking question with a positive approach. जब हम एक positive approach के साथ question पूछते हैं, suppose पड़ोस वाले अंकल ने पूछा बच्चे से, क्या आपके पापा office जा चुके हैं? So that is a positive approach. Okay? So क्या होगा? मैंने बताया था हम हमेशा helping verb को सामने लाते हैं to फॉर्म द क्वेश्चन. तो हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएगा हैज ऑब्लिक हैव. हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क मैंडेटरी है. ओके, सो हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. अब इसका हम स्ट्रक्चर एग्जाम्पल देखते हैं. माई फादर, तो ये हो जाएगा योर फादर क्योंकि कोई और पूछ रहा है. तो जो बच्चा अपने फादर के बारे में बोलता है तो कहता है माई फादर, लेकिन अब पड़ोस वाले अंकल पूछ रहे हैं तो बोलेंगे योर फादर. हैज योर फादर V3 gone to office. Has your father gone to office? क्या आपके पापा ऑफिस जा चुके हैं? पॉजिटिव अप्रोच वाला क्वेश्चन. अब इधर पर इस तरफ जो पड़ोसी था उसने पॉजिटिवली पूछा, लेकिन इस तरफ जो आंटी रहती है उन्होंने नेगेटिवली पूछा, क्या तुम्हारे फादर ऑफिस नहीं गए हैं? राइट, क्या वो घर पे बैठे हैं? क्या आपकी मम्मा की हेल्प कर रहे हैं? सो क्या आपके फादर ऑफिस नहीं गए हैं? दैट्स अ नेगेटिव क्वेश्चन. नेगेटिव अप्रोच से पूछ रही है. तो इंटरोगेटिव, व्हाट वी कॉल इट, इंटरोगेटिव नेगेटिव. आस्किंग क्वेश्चन विद अ नेगेटिव अप्रोच. इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे. क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? Has or have plus subject
प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. ठीक है, अब इसका हम ट्रांसलेशन देख ले क्या होगा. हैज योर फादर नॉट गॉन टू ऑफिस. हैज योर फादर नॉट गॉन टू ऑफिस. क्या तुम्हारे पापा ऑफिस नहीं गए हैं? क्या तुम्हारे पापा ऑफिस नहीं गए हैं? क्या वो घर पर बैठे हैं? क्या वो तुम्हारी मॉम की किचन में हेल्प कर रहे हैं? सो द लेडी वॉज आस्किंग विद अ नेगेटिव अप्रोच. वो एक नेगेटिव अप्रोच से पूछ रही थी, इसलिए उसने पूछा इंटरोगेटिव नेगेटिव केस में, क्या तुम्हारे पापा ऑफिस नहीं गए हैं. और एट पीपल, सो देखा आपने कैसे हमारे स्ट्रक्चर्स काम करते हैं इन द फोर डिफरेंट केसेस, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव. एंड वी हैव गॉट टू डिफरेंट ऑप्शंस, हेल्पिंग वर्ब्स हैज और हैव. थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आपको हैज यूज करना है, हैज प्लस वी थ्री, एंड विद प्लूरल्स एंड आई एंड यू. रिमेंबर, प्लूरल्स के साथ, आई के साथ, यू के साथ आपको हैव यूज करना है अलॉन्ग विद द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, दैट इज द वी थ्री फॉर्म. अब आपको एक एग्जाम्पल हम बताते हैं यूजिंग हैव. I have taught simple present tense. मैं simple present tense पढ़ा चुकी हूँ. Yes, that is correct. आप सबने witness किया है, मैंने खुद पढ़ाया है in the first lecture. So that is present perfect tense, क्योंकि कल ही पढ़ाया था, recently पढ़ाया है, so I can use present perfect. I have taught, have plus V3, teach, taught, taught. Teach का third form is taught, past participle form. So I have taught simple present tense. Affirmative, negative, I have not taught present continuous tense. I have not taught present continuous tense. मैंने present continuous नहीं पढ़ाया है, right? Interrogative, have I taught simple present tense to you all? क्या मैंने आप सबको simple present tense पढ़ा दिया है? Then, have I not taught simple present tense to you all? क्या मैंने आप सबको simple present tense नहीं पढ़ाया है? Why you all are asking doubts? आप सब डाउट्स क्यों पूछ रहे हैं? क्या मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं पढ़ाया? हैव आई नॉट टॉट यू सिंपल प्रेजेंट टेंस? अंडरस्टूड पीपल, देखा आपने कि हैव को यूज करके मैंने कैसे एक सेट ऑफ एग्जांपल्स बनाए हैं. सो दिस वे यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस. आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है. कॉमेंट बॉक्स में आफ्टर दिस लेक्चर कॉमेंट सेक्शन में एक सेट जरूर बनाइएगा इन ऑल द फोर केसेस, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव. और जब भी एग्जाम्पल्स बनाए पीपल, मेक श्योर यू यूज डिफरेंट सब्जेक्ट्स. कभी आप एक नाउन लीजिए, कभी एक प्रोनाउन लीजिए, कभी आप वर्ब्स अलग अलग लीजिए, लेकिन सेंटेंसेस के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए. जितना एक्सप्लोर करेंगे, जितने अलग अलग वर्ब्स यूज करेंगे, जितने अलग अलग सब्जेक्ट्स यूज करेंगे, आपके सब्जेक्ट्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो सकते हैं, आपका सब्जेक्ट कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन हो सकता है. सो व्हाई नॉट टू प्रैक्टिस एंड एक्सप्लोर मोर एंड मोर. तो आप अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग वर्ब्स यूज कीजिए एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट ईच टेंस वन बाय वन. Alright, so have a great time people, practice a lot, waiting for your sentences in the comment section, all the very best, and soon we'll be seeing the third lecture tomorrow. Stay tuned, do not miss, do like, share and subscribe, और जितने भी लोग tenses सीखना चाहते हैं, उनसे मेरा link share कर दीजिए, they should not miss the lectures on tenses. So take care people, this was present perfect tense, bye bye.